महोदय, मान्यता शब्द की हर तरफ से मांग आई है। मानो की मान्यता देने भर से ही वे बहुत सी कठिनाइयां हल हो जाएंगी जो बांग्लादेश के लोगों के सामने है, हमारे देश के सामने है, और विशेषकर हमारे सीमांत राज्यों अर्थात पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा और मेघालय के समक्ष है। हमने इस प्रश्न के हर पक्ष पर बड़ी गहराई से सोच विचार किया है, जैसा कि मेरे साथी ने बताया है। इसकी हम निरंतर समीक्षा करते रहते हैं। हम इसकी प्रतीक्षा नहीं करते कि दूसरे देश इस विषय में क्या कहते हैं इस बारे में या अन्य मामलों के बारे में। हम जो कुछ भी निर्णय करेंगे वह स्थिति के हमारे अपने ही स्वतंत्र मूल्यांकन के अनुसार और इस बात को ध्यान में रखकर होगा कि हमारे हित व्यापक अर्थ में किस तरह पूरे होते हैं। कल मैं अपनी वर्तमान कठिनाइयों में से संभावित खतरों और बोझों के बारे में जानबूझकर बहुत संयत भाषा में बोली थी। वह इस कारण नहीं कि मैं बोझों या खतरों से आज या कभी डरी हूँ, बल्कि इस कारण कि मैं चाहती हूँ कि माननीय सदस्य इन सब विषयों पर गहराई से विचार करें। खतरों का तभी सामना किया जा सकता है जब आदमी इसके लिए तैयार हो, जैसा मैंने पहले कहा और फिर से दोहराना चाहूँगी कि यह समय दलगत प्रतिद्वंदिता का नहीं है। हम सबको मिलकर एक साथ खड़े रहना चाहिए और हमारे सामने जो अधिक काम है उनमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, सांप्रदायिक प्रवृत्तियों को दबाना चाहिए। मेरे विचार में सब पार्टियों को सहायता करनी चाहिए कि बांग्लादेश और शरणार्थियों का प्रश्न सांप्रदायिक स्तर तक न गिरने पाए बल्कि अपने सही स्तर पर ही बना रहे, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर हैं। मैं इन प्रश्नों और अन्य घटनाओं के बारे में विरोधी दलों के नेताओं और सदन के अन्य सदस्यों से संबंध बनाए रहूंगी। मैं अपनी तरफ से सदस्यों को इस विषय पर अपनी बात मुझसे आकर कहने और उनके पास जो कोई जानकारी हो उसे बताने की पूरी छूट देती हूँ। साथ ही इस समय इससे अधिक और कुछ कहने को नहीं है। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि हम निराश न हो, हमें अपने और अपने लोगों पर भरोसा होना चाहिए। हमें बांग्लादेश की वीर जनता और अपने अधिकारों के लिए लड़ने के संकल्प पर भरोसा होना चाहिए। महोदय, इस समय भारतवर्ष के सामने बहुत प्रकार की जटिल समस्याएं हैं और यह ऐसा समय है जब सबसे यह अपेक्षा की जाती है कि आप सदा भारत की सुरक्षा और उसकी उन्नति के लिए कटिबद्ध होंगे। आपको मालूम ही है कि जब से यह प्रश्न हमारे सामने आया है कि भाषा के आधार पर देश के विभिन्न भागों का पुनर्गठन किया जाए, तब से देश में बहुत प्रकार के आंदोलन उठ खड़े हुए हैं।
सरकार ने जनता की इच्छा और मांग को देखते हुए उसके लिए एक विशेष आयोग नियुक्त किया और यह आशा की जाती थी कि उसकी जो कुछ भी सिफारिशें होंगी वे सबको मान्य होगी और आपस के मतभेद के लिए कोई स्थान न होगा। इस संबंध में सरकार ने जो भी निर्णय किए उनमें से अधिकांश निर्णय सर्वसम्मति से ही हुए हैं, परंतु दुख की बात है कि एक दो स्थानों पर मतभेदों ने एक ऐसा रूप ले लिया जो देश के लिए वांछनीय नहीं हो सकता। दुर्भाग्यवश आपका यह क्षेत्र भी उन क्षेत्रों में से एक है। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि आपने भारत सरकार के साथ सदा सहयोग करने और हर प्रकार से उसके निर्णय को मानकर देश के सुगठित प्रशासन में हाथ बटाने का विश्वास दिलाया है।